मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। KFC सक्सेस स्टोरी, ये सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार न मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले अंगुली दबा देगा। यह कहानी है केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के फाउंडर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियान के एक शहर हेनरी विल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1885 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की माँ को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैंडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी माँ मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल के उम्र में ही वो खाना बनाने में माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1909 में सैंडर्स के माँ ने विलियम ब्रादरेट नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियान के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और उन्हीं कारणों से हॉलैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में जाकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में ही वे इंडियान के पोलाइस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो काम छोड़ दिया। 1906 में इंडियान के ऑल्बनी में आकर अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी में के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय उनकी मुलाकात जोसफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफ ने उनको एक लड़का, 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पूरी तरह पटरी पर लौट रही है। तभी अचानक एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इसी बात को उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू करा, बहुत सारे बिजनेस किए, पर वह हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के छोटे से शहर में कॉर्विन में चल रहे और अमेरिका के रूट 25 पर ग्रॉस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला। वह एक विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने एक विशेष तरह का चिकन बनाने लगे थे, जिसे लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हॉलिन सैंडर्स द्वारा बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से हॉलिन सैंडर्स के आईएच कर्नल जुड़ने लगा। 1937 से सैंडर्स ने अपने होटल के कुछ ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में हाईवे बनाना के कारण चल रहा रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र 62 साल की हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया था, पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसाले और चिकन लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद से हॉलिन सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उनके यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ी। आज कर्नल सैंडर्स के KFC 118 से ज़्यादा देशों में 18,875 ब्रांचेस हैं। पहला कफ्स US में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 डेक 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हॉलिन सैंडर्स की मृत्यु हो गई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे ज़्यादा उम्र में भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया असंभव कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी काम में लगे हुए हैं तो आप भी अपनी कोशिशें जारी रखिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो आप अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुई है, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।